ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं और मोदी जी ने भारत सरकार का खजाना अपने यूपी और पूर्वांचल में खोल दिया और इसके कारण इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में 2020 में यूपी को पहला स्थान मिला, आवास योजना में यूपी को पहला स्थान मिला, एमएसएमई उद्योग बढ़ाने में दूसरा स्थान मिला, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बनाने में पहला स्थान मिला, सबसे ज्यादा गैस यही बांटे गए, पीएम स्वनिधि योजना में सबसे ज्यादा ठेले वालों को लोन यहां दिया गया, 39 करोड़ पौधे यहीं लगाए गए, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में यूपी नंबर वन, गन्ना चीनी गेहूं आलू हरी मटर आर आम आंवला इस सारे उत्पादों में भारत में सर्वप्रथम अपना उत्तर प्रदेश है और दूसरी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मित्रों, जो विकास की आंधी आई है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, बहुत कुछ किया है योगी जी ने, मगर बहुत कुछ करना भी बाकी है। आपका एक बार फिर से आशीर्वाद चाहिए। मिलेगा क्या? जोर से बोलो, मिलेगा क्या? मित्रों, आने वाले चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला विजय भारतीय जनता पार्टी को देना है। देंगे क्या बताइए? आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अभी आप सुन रहे थे, इस वक्त बस्ती में वो मौजूद हैं और वहां पर उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही, अपने सरकार की उपलब्धियां गिराई, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यूपी में आज विकास हो रहा है, पुलिस को देखकर बाहुबली डरते हैं, पहले आए दिन दंगे होते थे लेकिन अब योगी सरकार में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, पहले आए दिन कर्फ्यू लगता था। मोदी जी और योगी जी ने बहुत कुछ किया।